दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और रास्ते में अयोध्या होते हुए जाएंगे। तो अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसके दर्शन करने हैं। तो देखते हैं राम जन्मभूमि में क्या चीज देख सकते हैं। वैसे तो वहाँ बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, जैसे हनुमानगढ़ी है, राम की पैड़ी है, इसके अलावा सीता रसोई है, कनक मंदिर है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम इतना तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें दिल्ली निकलना है। तो अगर हम इतना रुकेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल हम राम जन्मभूमि पर क्या चीज़ देख सकते हैं वो आपको दिखाएंगे और रामलला के दर्शन अगर पॉसिबल हो सके तो आपको दिल्ली करवाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अयोध्या के पास और ये जो हाईवे है ये गोरखपुर से होता हुआ सीधा लखनऊ जाता है और बीच में पड़ता है फैजाबाद और फैजाबाद में ही अयोध्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये सरयू नदी है जो यहाँ से होते हुए अंबेडकर नगर, जो कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ तक जाती है। इसके अलावा ये वहाँ से बलिया जाती हैं, बलिया जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो काफ़ी बड़ी नदी है और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं इस नदी के दर्शन करने, स्नान करने और त्योहारों पर तो अच्छा खासा मेला लगा होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सरयू स्नान करते हैं, साथ ही रामलला के दर्शन करते हैं, उसके बाद सीधा अपने घर निकल जाते हैं। तो अगर आपको रामलला के मंदिर जाना है तो ये हाईवे आपको छोड़ना होगा। तो रामलला मंदिर जाने के लिए आपको हाईवे से नीचे उतरना होगा और वहाँ से राइट हैंड साइड में एक रास्ता जाता है जो करीबन 2.5 किलोमीटर के बाद आप सीधा राम जन्मभूमि पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप गोरखपुर से आ रहे हैं तो ये जो ग्रीन बोर्ड है इसके साथ में ही नीचे रास्ता जा रहा है, आप नीचे जाके राइट हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ से या लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक रास्ता मिल जाएगा जो सीधा आपको राम जन्मभूमि की तरफ ले जाता है। इसके अलावा अगर आप भूल भी जाते हैं तो इसके आगे एक और कट आएगा जिससे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल ये रास्ता जो राइट हैंड साइड को जा रहा है ये सीधा राम जन्मभूमि की तरफ जाता है और यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर पर राम जन्मभूमि है। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पहले से विकास होता जा रहा है। पहले यहाँ पर जाने के लिए सही से सुविधाएं नहीं थी लेकिन सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। बाकी हम पहुँच गए हैं राम की पैड़ी और ये राम की पैड़ी है। अगर आप बिल्कुल सीधा निकल जाते हैं तो राम की पैड़ी पर चले जाते हैं। जो मंदिर दिख रहे हैं वो राम की पैड़ी के मंदिर हैं। तो अगर आपको स्नान करना है तो आप जाके वहाँ पर, अच्छा खासा घाट बना हुआ है, तो आप स्नान करके और बाद में जाके हनुमानगढ़ी या राम जन्मभूमि के दर्शन कर सकते हैं। और ये सीधा रास्ता चला जाता है हनुमानगढ़ी की ओर। तो हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि लगभग 300 मीटर आगे है। तो यहाँ से हनुमानगढ़ी लगभग 800 मीटर के आसपास है। तो आप बिल्कुल सीधा जाएंगे तो सीधा पहुँचेंगे हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी के बिल्कुल साथ में राम जन्मभूमि है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे, बहुत सारे पंडे मिल जाएंगे, बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे, तो इनसे आप दूर रहें क्योंकि गाइड वाइड अगर लेने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा यहाँ से जाएँ जहाँ पर आपको पार्किंग मिलेगी, पार्किंग के साथ ही राम जन्मभूमि है। वहीं रेड कलर का आपको हनुमानगढ़ी मंदिर दिखाई देगा, सब वहीं पास में है, आप पैदल निकल सकते हैं, आपको कोई गार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी से आओगे तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर हाथ देकर रोकते हैं कि आप गाड़ी यहाँ पार्क कर लो, तो आप वहाँ गाड़ी बिल्कुल पार्क ना करें। वो प्रसाद लेने के चक्कर में आपको वहाँ रुकवाते हैं और बाद में आप प्रसाद लोगे या नहीं लोगे तो उसके बाद गाड़ी हटवा देते हैं। तो यहाँ चालान भी ज़्यादा होते हैं, तो उससे बढ़िया है गवर्नमेंट पार्किंग आगे है, आप आगे जाके गवर्नमेंट पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करें और उसके बिल्कुल पास में 300 मीटर पर राम जन्मभूमि आप पैदल जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको बहुत सारे गाइड मिल जाते हैं, तो आप गाइड की मदद ना ही लें तो बेहतर। वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी सीधा मंदिर तक ले जाएंगे, तो कोई गाड़ी मंदिर तक नहीं जाती, वो भी आगे आके पार्किंग में गाड़ी आपकी खड़ी करवाएंगे, उसके बाद आपको बोल देंगे कि जाओ दर्शन करके आओ। तो उससे बेहतर आप सीधा पार्किंग में जाओ, गाड़ी पार्क करो, वहीं पास में मंदिर है और दर्शन कर लो। तो देखते ही देखते हम पहुंच गए हनुमानगढ़ी। तो ये जो दाहिनी साइड रास्ता जाता है ये हनुमानगढ़ी की ओर जाता है, आगे लाल रंग का मंदिर है, वो हनुमान जी का मंदिर है। तो आप आगे से भी इधर आ सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। तो दोस्तों, यही है वो पार्किंग जिसकी मैं बात कर रहा था और यहाँ से करीब
300 या 400 मीटर दूरी पर राम जन्मभूमि है। तो आपको यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है और वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है बिल्कुल उसके साथ में ही रामलला विराजमान है। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है। और अगर आप पूछना भी चाहते हैं रास्ते में आपको बहुत सारे पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, आप किसी से भी पूछ सकते हो। बाकी आगे आप आओगे तो आपको ये छोटी सी मार्केट नज़र आएगी और वो जो मंदिर दिख रहा है वो सीता रसोई राम रसोई वहीं पर है जहाँ मुफ्त में भोजन आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आगे आते हैं तो आप ये देख सकते हैं जहाँ बोर्ड लगा है यहीं तक कैमरा अलाउड है, इसके बाद आपके मोबाइल वगैरह जमा हो जाते हैं। तो यहाँ जगह जगह लॉकर बने हुए, जो पीछे अगर आप जमा करते हैं वहाँ 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कई जगह देखोगे आप 5-5 रुपये लेते हैं लॉकर में। आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो क्योंकि वो अंदर नहीं जाता और यहाँ के बाद कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहीं पर आपका मोबाइल वोबाइल रखवा दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर वीडियो शूट करते हो तो आपका कैमरा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे कैमरा ले जाने नहीं दिया गया और इसके आगे ही रामलला विराजमान है, तो हम तो पूरा घूम आए हैं, आप लोग आए तो यहाँ पर कैमरा वगैरह जमा करवा दें और इसके बाद जाकर घूम के आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।